हाय फ्रेंड्स, सरिता दिल्ली से। आज जिस पौधे को मैं दिखा रही हूँ, इसी के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए आई हूँ। आप सब अच्छे हैं ना? अच्छे ही रहिए। इस पौधे के बारे में बातचीत करें, यानी स्पाइडर प्लांट के बारे में बातचीत करें, उसके पहले आप सबसे गुजारिश ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है, और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इस प्लांट की। ये प्लांट करीब मेरा 8-9 महीने पुराना है, और एक छोटा सा प्लांट मैंने लगाया था। एक यही नहीं है, मेरे टेरेस गार्डन पे बहुत सारे प्लांट हैं। फिलहाल तो मैं अपने बालकनी में हूँ, और बालकनी में खड़े होकर के ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे ठंडक होती है। छत की तो हालत आप सोच सकते हैं कि 43 डिग्री सेल्सियस गर्मी में खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, और मेरे मोबाइल जो है हैंग कर जाता है उस गर्मी में, इसलिए यहीं पर बना रही हूँ। तो सब चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस पौधे के खूबसूरत से फूल का दर्शन कराती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा ये फूल है, और ये 2-3 दिनों से फूल निकला हुआ है। एक बार ये फूल इसमें अगर निकलता है तो कम से कम 6-7 दिन तक ये फूल जो है इस पौधे में लगा रहता है। तो इसकी खूबसूरती इसी में है। लगाने के लिए वेलरन मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिसमें कि आप बालू ज़रूर मिक्स करें। बालू मिक्स करने के साथ थोड़ा सा आप वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालिएगा, और बाकी के मिट्टी डालिए उसमें लगाइए। बहुत ज़्यादा इसकी पौधे की देखभाल की ज़रूरत होती ही नहीं है, बस इसे आप लगा दीजिए। तो मिट्टी तैयार कर ली हमने गमले में। मिट्टी तैयार करने के बाद अब इसे लगाने के लिए हमें देखना है। जब हम एक प्लांट लगाते हैं फ्रेंड्स, तो वो मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं, और एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ से क्लोजअप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, एक प्लांट में आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ भी एक प्लांट है, यहाँ भी एक प्लांट है। तो इधर से हमें कम से कम 3-4 प्लांट दिख रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके अलग अलग प्लांट में लगा सकते हैं। दूसरा एक इसका जो तरीका होता है, और वो सबसे तरीका है अच्छा है, जिसके थ्रू सभी ज़्यादातर साथी जो हैं वो प्लांट लगाते हैं। देखिए यहाँ भी इस वाले में भी फूल निकला हुआ है। तो लगाने के लिए, जैसे ये पौधा जब 6-7 महीना पुराना हो जाता है तो इसमें इस तरह के ये रनर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए कितने सारे रनर्स हैं, एक में इतने सारे। ये रनर्स में जो है ना, यही छोटे छोटे पौधे हैं, यही एक प्लांट के रूप में तब्दील हो जाते हैं। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें भी फ्लावर निकला हुआ है आपको दिखाया, और इस साइड में भी देखिए कि इतने सारे रनर्स हैं, इतने सारे। ये देखिए कितने सारे हैं, और ये सारे एक एक डिवाइड होकर के अगर हम काउंट करें तो सब अलग अलग ये पौधे बन सकते हैं। तो इनको कैसे लगाना है? बहुत बार तो बहुत सीधे लोग इसे कट कर लेते हैं और कट करके इसे लगा लेते हैं, लेकिन इसका सही तरीके से अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये देखिए, मैं आपको ये क्लोजअप दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये देखिए, ये इसका जो है ये जड़ निकल गया, ये सफ़ेद सा दिख रहा है अलग सा छोटा सा, ये इसका जड़ है। बस इस जड़ को लेकर के बगल में इस गमले के ऐसा पॉट रखिए, और पॉट में इसे यूं करके आप सीधा, देखिए ये मैं बताती हूँ, यूं करके इसे मिट्टी में आप दबा दीजिए। इसे जब मिट्टी में आप ये दबा देंगे, देखिए ये मिट्टी में मैंने दबा दिया, इसे कुछ नहीं करना है, दबा करके आप इसे छोड़ दीजिए और इसे कट मत करिए। जिस दिन आपको लगे कि ये पौधा मिट्टी में लग गया है और थोड़े से बढ़वार इसकी शुरू हो जाए, देन आप इसे यहाँ से कट कर दीजिए। तो आप कंफर्म हो गए कि आपका ये पौधा लग गया है। इसी तरीके से सारे रनर्स जो हैं उसे आप मिट्टी में दबा के लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो इसे कट करके भी यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि ये कट करके निकाल लीजिए, ये जड़ जब यहाँ पे निकल जाता है, और फिर इसे मिट्टी में दबा दीजिए, अलग अलग पौधा ये तैयार हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपके पौधे भी लगा लिए आपने, मिट्टी भी तैयार करके पौधे लगा लिए। अब इसे रखना कहाँ है? इसे रखने के लिए बिल्कुल शेडी एरिया चाहिए। धूप में रखने की गलती कभी भी मत करिएगा। धूप में रख करके मैं कुछ पौधों को जला चुकी हूँ। अभी भी आप ये देख रहे हैं कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ये टिप जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखिए ये टिप नज़र आ रहा है ना, ब्लैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुबह की रोशनी आती है, सुबह की रोशनी सूरज की यहाँ पड़ती है, तो उसकी वजह से
या दूसरा कारण ये हो सकता है कि ओवर वाटरिंग भी हो गई हो गर्मी की वजह से, हम घबराहट में कि पौधे सूख ना जाएं ढेर सारा पानी इसमें डालना शुरू कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि ये पौधा सूख जाता है। हमेशा एक बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी पौधा अंडर वाटरिंग से नहीं मरता है, वो संकेत देता है पहले, वो थोड़ा मुरझा सा नज़र आता है, मुरझाए से इसके पत्ते झुके झुके से नज़र आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो मरता है। लेकिन ओवर वाटरिंग में क्या होता है कि यकाएक आपको पता ही नहीं चलता है और आपका जो पौधा है उसका जड़ नीचे से गलना शुरू हो जाता है और एक दिन अचानक आपको लगता है कि पत्तियां आपको ऊपर से हरी हरी दिखती रहेंगी और पौधे का जब जड़ ही गल गया तो सोचिए कि उस पौधे का पूरा अस्तित्व खत्म हो गया। तो इस तरह से पौधा खत्म हो जाता है। तो हमें अपने पौधे को ओवर वाटरिंग से बचाने की ज़रूरत होती है और अंडर वाटरिंग से भी बचाने की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे ये जो है एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, मैं ये फूल भी यहाँ का आपको दिखाना चाहती थी। तो इसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, धूप में नहीं रखना है, मिट्टी की बात हमने कर ली, और कैसे इसे लगाना है यानी कि ये जो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं ये प्लांट्स, उससे लगाना है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। तो इस पौधे को ज़रूर आप लगाइए, अपने बागीचे की खूबसूरती को बढ़ाइए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ आपसे मिलने में आऊँगी। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने गार्डन का ख्याल रखिए, और अपना ध्यान रखने के साथ साथ अपने गार्डन में खूब सारे अच्छे अच्छे पौधे लगाइए। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।